घर पर नमाज पढ़ने का हुक्म, क्या घर में नमाज पढ़ना गुनाह है या इसमें सवाब कम मिलता है? नासिर अली लाहौर से। सवाब भी कम मिलता है और जमात छोड़ने का गुनाह भी होता है मर्द को। तो आम हालात में मर्द पर लाजिम है कि जब तक शरी उज़र ना हो वो घर में नमाज पढ़ने के बजाय मस्जिद में नमाज पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इरादा किया कि जो लोग अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं मैं किसी को हुक्म दूँ कि वो जाके उनके घरों को आग लगा दे, लेकिन मुझे उनकी औरतों और बच्चों का ख्याल है। तो कितनी शदीद वईद है। और कुरान ने जहाँ भी फ़र्ज़ नमाज का जिक्र किया जमात ही के साथ जिक्र किया है। हत्ता के मैदान जंग में भी जब नमाज पढ़ी जाएगी तो असल जो कुरान जिक्र कर रहा है मैदान जंग की नमाज को, वो भी जमात के साथ जिक्र कर रहा है और इसमें सवाब 27 गुना ज़्यादा है। अगर घर में नमाज पढ़ने में जमात छोड़ने का गुना ना भी होता तो भी एक नमाज के 27 मिल रहे हैं मस्जिद में, तो क्या ज़रूरत है घर में पढ़ें? और फिर उसके अलावा कितने फ़ायदे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मस्जिद में नमाज के लिए निकलते हैं तो हर कदम पर एक नेकी मिलती है और एक गुना माफ़ होता है। बाद साहबा ने इरादा किया मस्जिद के करीब घर लें ताकि दूर से आना ना पड़े, तो आपने फरमाया दिया रकुम तुक तबू आसार रकुम, वहीं रहो, तुम जितना चल के आओगे तुम्हारे कदमों के निशानात को भी मीज़ान के तराजू में लिखा जा रहा है, उस पर भी नेकियाँ भी मिल रही हैं, गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं। तो इसलिए मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ना चाहिए।